हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सभी आपके जितने भी जो ओल्ड पेपर है, चाहे वो आपका जेट, ICER, BHU, PGT, PGT, आप कोई सी भी ले सकते हो, सभी में कोई ना कोई क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसलिए याद रखिएगा, सभी क्वेश्चंस को एक बार आप ज़रूर देख ले, जिससे कि आपके सभी डाउट है सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी हमारी कोई नई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज को नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम जानेंगे कि पत्ता गोभी का वानस्पतिक नाम क्या होता है, मतलब बोटेनिकल नेम क्या होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, चाहे तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, चाहे आप लाइव चैट में इसका राइट आंसर बता सकते हो, या फिर आप कुछ नहीं है, फ्री माइंड होकर बस वीडियो को देखते रहिए, आपको सभी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि पत्ता गोभी का बोटनिकल नेम है ये क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले याद रखिएगा, एक होता है पत्ता गोभी, एक होता है फूल गोभी। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, मतलब इन दोनों का जो बोटनिकल नेम होता है लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो कहाँ पर रहता है, याद रखिएगा, ब्रैसिका ओलेरेसिया वेराइटी केपीटाटा। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है केपीटाटा, तो केपीटाटा तो किसकी होती है, अगर आपसे पूछता है कि ये जो केपीटाटा नाम है ये किसका होता है, तो ये तो आता है, याद रखिएगा, पत्ता गोभी का, ब्रैसिका ओलेरेसिया किस में, केपीटाटा, ये तो किसका नाम होता है, पत्ता गोभी का। और अगर आपसे पूछता है फूल गोभी, तो फूल गोभी का क्या नाम होता है, बोट्राइटिस, याद रखिएगा, ब्रैसिका ओलेरेसिया वेराइटी मतलब किस में, बोट्राइटिस किसका नाम होता है, फूल गोभी का, और केपीटाटा किसका होता है, पत्ता गोभी का होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता चल ही गया है, बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जान लेते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म है खरीफ मौसम हेतु उपयुक्त मानी गई है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हम इसे देख लेते हैं कि पूसा रेड, पूसा रत्नार, एग्री फाउंड, डार्क रेड या फिर नासिक रेड। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, खरीफ मौसम के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी होती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे स्पेशली पूछा जाता है खरीफ मौसम के लिए, तो सबसे अच्छी किस्म माना गया है, वो माना गया है एग्री फाउंड डार्क रेड को माना गया है। किसे माना गया है, एग्री फाउंड डार्क रेड को माना गया है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी किस्म है प्याज की, जिसे रबी और खरीफ, रबी या फिर हो खरीफ, इन दोनों ही ऋतुओं में, दोनों ही सीजन में जिसे ग्रो किया जा सकता है, तो वो कौन सी वेराइटी होती है, याद रखिएगा, वो होती है N53 होती है। अगर आपसे पूछता है स्पेशली खरीफ के लिए, तो खरीफ के लिए कौन सी होती है, एग्रीफाउंड डार्क रेड होती है। अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी किस्म है प्याज की, जिसे रबी और खरीफ दोनों के लिए उगाया जा सकता है, तो कौन सी होती है, N53 होती है। ठीक है, क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी किसमें की जाती है, मतलब इसके लिए जो घोल लिया जाता है वो किसका लिया जाता है, चीनी के मिश्रण का, नमक के घोल का, आश्रित जल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बस ये पहचाना है कि जो डिब्बाबंदी की जाती है सब्जियों की, इसके लिए कौन से घोल का, किस सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप सोचते हैं नमक या फिर जो सब्जियों की जो डिब्बाबंदी की जाती है, जो कैनिंग की जाती है, इसके लिए जो सॉल्यूशन लिया जाता है, जो घोल लिया जाता है, ये किसका लिया जाता है, ये लिया जाता है नमक का घोल लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नमक का घोल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जानेंगे, जो कि याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं कि टमाटर की, लौकी की, मिर्च की या फिर बैंगन की। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्रांति ये किसकी किस्म होती है। पूसा पर्पल लौंग और पूसा क्रांति ये किसकी किस्म होती है, टमाटर की, लौकी की, मिर्च की या फिर बैंगन की। तो अगर मान लीजिए आपको ये पता नहीं है, लेकिन ये तो आपको पक्का पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको क्लियर कराया है। और याद रखिएगा, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पूसा पर्पल लौंग किसकी वेराइटी होती है। तो याद रखिएगा, पूसा पर्पल लौंग या फिर आपसे पूछता है पूसा क्रांति, तो ये किसकी वेराइटी होती है, याद रखिएगा, ये होती है बैंगन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे
कि भिंडी में गर्मी के लिए, भिंडी में गर्मी के मौसम हेतु उचित बीज दर क्या रखी गई है, तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम राइट आंसर जानेंगे। तो क्या पूछा गया आपसे कि यार के गर्मी के लिए भिंडी की जो बीज दर आपको बतानी है वो बतानी है गर्मी के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि 8 से 10 केजी, 12 से 15 केजी, 18 से 20 केजी या फिर 25 से 30 केजी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है गर्मी के लिए, तो गर्मी के लिए जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा सी ऑप्शन। और अगर आपसे पूछता है वर्षाकालीन के लिए, वर्षाकालीन के लिए, तो वर्षाकालीन के लिए याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपसे पूछता है कि भिंडी की जो बीज दर रखी जाती है गर्मी के लिए कितनी रखी जाती है, तो गर्मी के लिए तो रखते हैं हम 18 से 20 किलोग्राम। अगर आपसे पूछता है वर्षाकालीन ऋतु के लिए, तो वर्षाकालीन के लिए कितनी रखी जाती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिर्च में पर्ण कुंचन विसारण जो वायरस होता है इसको प्रसारण कर उत्तरदायी होता है। मतलब क्या पूछा गया है कि याद रखिएगा, जो मिर्च में जो पर्ण कुंचन जो विषाणु होता है, जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है, इसको फैलाने का, प्रसारण का मतलब होता है फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। प्रसारण का मतलब क्या होता है, फैलाना, मतलब जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दे रहे हैं कि घरेलू मक्खी, मधुमक्खी, सफेद मक्खी या फिर जीवाणु। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो लीफ कर्ल जो वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है, याद रखिएगा, व्हाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, मिर्च में जो लीफ कर्ल वायरस होता है इसे फैलाने का कार्य है, तो ये किया जाता है व्हाइट फ्लाई के द्वारा किया जाता है, सफेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी में जो भूरापन का कारण होता है, जो ब्राउनिंग रोग होता है, तो ये क्वेश्चन आपको लगभग हमने क्लियर करा चुके हैं, तो आप इसे डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। ब्राउनिंग मतलब बोरोन, ब्राउनिंग मतलब बोरोन, मतलब अगर आपसे पूछता है कि फूल गोभी में भूरेपन का कारण क्या होता है, तो बोरोन तत्व की कमी, क्या होता है, बोरोन तत्व की कमी के कारण भूरेपन का रोग होता है फूल गोभी में। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया कि मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैंने कई बार क्लियर करा चुका हूँ, और इसके लिए हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या थी हमारी, अगर आपको याद है तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि तीखापन होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। कैप्सिसिन के कारण, सल्फर के कारण, कुकुरबिटेसिन के कारण या फिर लाइकोपीन के कारण। तो लगभग सभी ने राइट आंसर दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, मतलब जो तीखापन होता है मिर्च में ये किसके कारण होता है, ये होता है कैप्सिसिन के कारण होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन पूछाता है कि जो मिर्च का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है लाल रंग, तो लाल रंग होता है कैप्सिसिन के कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण। यहाँ पर एक बात आप यहाँ पर नोट कर ले कि कैप्सिसिन के कारण तो क्या होता है, तीखापन, और कैप्सिसिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। मतलब रंग का कारण थीन होता है और तीखापन का कारण क्या होता है, सीन होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो पेबंद कलिकाएं क्या ऐसा है, याद रखिएगा, पेबंद जो किया ऐसा है इसमें पौधे में ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है। आपने ये मेथड तो ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि अमरूद आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक होता है रूट स्टॉक, एक होता है सायोन। ठीक है, तो ये रूट स्टॉक तो हम क्या करते हैं, हमारी कोई सी भी एक वेराइटी ले लेते हैं, लेकिन ये जो सायोन है इसको हमको खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी की बात की जा रही है कि इस संपूर्ण मेथड को क्या बोला जाता है, याद रखिए, इन दोनों को इसे बोला जाता है पेबंद कलिकाएं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि जो ऊपर वाला शाखा होता है या फिर जो सायोन वाला पार्ट होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो सायोन कहा जाता है, मतलब इसका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, तो इसे बोला जाता है शांकुर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शांकुर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा, नीचे का होता है मूल वृंत, इसे क्या बोला जाता है, मूल वृंत बोला जाता है, और जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है,
ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसे क्या बोलासा है, सांकुर बोलासा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है? एक और बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया तो आसानी से समझ लीजिए, हम यहाँ पर कोई भगे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, ऐसे मान लीजिए एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बडिंग करते हैं, या फिर क्या करते हैं, हम पैबंद कलिकान करते हैं, जिसमें एक पोर्शन हम लेते हैं सायोन वाला, एक पोर्शन हम लेते हैं रूट स्टॉक वाला। रूट स्टॉक मतलब होता है मूल वृंद, जो कि नीचे का हिस्सा होता है, और जो ऊपरी हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है, सायोन बोला जाता है। और सायोन का हिंदी अर्थ क्या होता है, शंकुर का हिस्सा है। तो अगर आपसे पूछता है ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर का हिस्सा होता है शंकुर, और नीचे का हिस्सा क्या होता है, मूल वृंद होता है। ठीक है, आसानी से इस क्वेश्चन को समझ गए। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार हमने सोल्व करवा दिया है, तो आई थिंक ये तो आप सभी बता दोगे, इसका राइट आंसर तो आप सभी बता दोगे। तो याद रखिएगा, जो षटभुजाकार होता है, एक होता है वर्गाकार विधि, मतलब एक मेथड ऐसा होता है, एक मेथड ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक होते हैं चार पौधे, एक होते हैं छः पौधे, लेकिन इसकी तुलना में इसमें, या फिर इसकी तुलना में इसमें कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कितने परसेंट अधिक पौधे लगाए जाएंगे, 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पत्ता गोभी की अगेती किस्मों के लिए अनुकूलतम पौधे की बीच की जो दूरी है ये कितनी रखी जाती है। मतलब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जो स्पेसिंग रखी जाती है, जो स्पेसिंग रखी जाती है ये क्या रखी जाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, और किसके लिए पूछा गया है कि पत्ता गोभी की जो अगेती जो किस्में हैं इनमें जो स्पेसिंग रखी जाती है ये क्या रखी जाती है। मतलब आपको यहाँ पर क्या बताना है, आर इंटू पी बताना है, 30 × 30, 45 × 45, या फिर 60 × 45, या फिर 16 × 60। आप कितनी रखोगे? राइट आंसर आपका क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है जो कि पत्ता गोभी की जो अगेती किस्में होती है, जो अगेती किस्में होती है इसमें क्या रखी जाती है जो स्पेसिंग, तो ये जो रखी जाती है, ये रखी जाती है 45 × 45 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 45 × 45 रखी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आलू का खाने योग्य भाग वैज्ञानिक रूप से क्या कहलाता है। आलू का जो खाने योग्य जो भाग होता है, जिसे हम खाते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसका हम कंज्यूम करते हैं, ये क्या कहलाता है। कंद कहलाता है, सल्क कंद कहलाता है, घन कंद कहलाता है, फिर प्रकंद कहलाता है। तो याद रखिएगा, इसे एक कॉमन वर्ड है, या फिर कॉमन क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा, आलू का जो हम खाते हैं जो पार्ट, इसे क्या बोला जाता है, कंद बोला जाता है। और कंद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ट्यूबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्यूबर या कंद। और इसके साथ साथ आपको एक और यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेना है कि ये क्या होता है, एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है। आलू क्या होता है, एक प्रकार का मॉडिफाइड स्टेम होता है, मतलब एक रूपांतरित तना होता है। क्या होता है, रूपांतरित तना होता है। ठीक है, याद रख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि एरोगणुता का अर्थ क्या होता है। मतलब एसेप्सिस तो आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो एसेप्सिस, और हिंदी वर्ड होता है एरोगणुता। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट हुआ है, एरोगणुता मतलब रोगाणु से रहित। अब रोगाणु क्या होते हैं, मतलब रोगाणु होते क्या हैं, ये आपको पहचानना होगा। क्योंकि अगर आपने ये पहचाना कि रोगाणु है क्या, यहाँ पर जो बात की जा रही है रोगाणु की, ये किससे बात की जा रही है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो रोगाणु है ये सूक्ष्म जीव है। अब इसी से पता चल गया, नाम से ही पता चल गया ना हमें कि सूक्ष्म जीवों से रहित जो स्थिति होती है उसी को क्या बोला जाता है, एरोगणुता बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन। मतलब सूक्ष्म जीवों का बहिष्कार क्या कहलाता है, एरोगणुता कहलाता है, एसेप्सिस कहलाता है। सूक्ष्म जीवों का बहिष्कार क्या कहलाता है, एरोगणुता या फिर एसेप्सिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि श्रेष्ठ जेली बनाने के लिए फल के रस में कितना परसेंट या फिर कितनी पेक्टिन की मात्रा होनी चाहिए। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि
जो जेली सबसे उपयुक्त बनती है उसमें जो पेक्टिन की मात्रा है ये क्या होनी चाहिए या फिर कितनी प्रतिशत होनी चाहिए। 0.50%, 0.75%, 1.0% या फिर 1.5%। आपको क्या लगता है कि राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेशन में बताइए। तो याद रखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप डीपली नोट कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो श्रेष्ठ या फिर जो सबसे उपयुक्त जो जेली बनती है इसके लिए जो पेक्टिन की मात्रा है ये कितनी होनी चाहिए, तो ये कम से कम याद के 1% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1% तो होनी ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा सी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा पेक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1% तो होनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सहकारी ऋण समितिया अधिनियम स्वीकृत कब हुआ था। यहाँ पर आपसे एक अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि सहकारी ऋण समितिया जो अधिनियम दिया गया था ये कब वर्ष में या फिर किस वर्ष में स्वीकार किया गया था, 1902 में, 1904 में, 1909 में या फिर 1912 में। तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो कि जो सहकारिता ऋण जो समितियाँ है इनको कब स्वीकार किया गया था, ये किया गया था 1904 में किया गया था। कब किया गया था, 1904 में इन्हें स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कृषि चयनिका को प्रकाशित या फिर किसके द्वारा ये प्रकाशित होती है। याद रखिएगा यहाँ पर एक जो एक पेपर होता है उसका नाम यहाँ पर आपको दिया गया है कृषि चयनिका। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एक न्यूज़पेपर है और इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ से पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसके लिए आप सभी ऑप्शंस पहले देख लीजिए क्योंकि इसका राइट आंसर आपको जल्दी से बताना है कि जो कृषि चयनिका जो कि एक न्यूज़पेपर है ये कहाँ से पब्लिश किया जाता है। कृषि मंत्रालय से, ICAR से, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड से या फिर IARI से। यहाँ पर सभी ऑप्शन आपको दे रखे हैं, IARI, ICAR, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड या फिर कृषि मंत्रालय। तो ये आपको पहचाना है कि जो कृषि चयनिका जो कि न्यूज़पेपर है ये कहाँ से पब्लिश किया जाता है। तो याद रखिए कि ये किया जाता है ICAR के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ये किया जाता है ICAR के द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। तो ये आप सभी को पता है, एक कॉमन क्वेश्चन है कि IARI कहाँ पर स्थित है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ये तो आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, IARI न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और लगभग ये भी आप सभी को पता है कि सामान्य गेहूँ का बोटनिकल नेम क्या होता है। तो इसे तो हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आप सभी को पता है या फिर आप इसे करना चाहते हो। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन कि जो सामान्य गेहूँ है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम आइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम। तो जो सामान्य गेहूँ होता है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है, तो ये तो आप सभी को पता है, याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि मैक्सिकन वीट या फिर मैक्सिकन ड्वार्फ वीट किसे बोला जाता है, तो मैक्सिकन ड्वार्फ वीट याद रखिएगा इसी को बोला जाता है। जो आप ये नाम पढ़ते हो सामान्य गेहूँ का, ये क्या होता है एक्चुअल में, याद रखिएगा मैक्सिकन ड्वार्फ वीट होता है। क्या होता है एक्चुअल में, ये वास्तव में याद रखिएगा मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का नाम होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए इंडियन ड्वार्फ वीट, तो इंडियन ड्वार्फ वीट का नाम क्या होता है, इंडियन ड्वार्फ वीट का नाम क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आप बताइए कि भारतीय जो गेहूँ होता है या फिर भारतीय जो बोना गेहूँ होता है इसका नाम क्या होता है, बोटनिकल नेम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे उसको, जल्दी से कमेंट सेशन में बताइए कि भारतीय बोना गेहूँ का नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपको सभी को राइट आंसर बताना है कि इसका जो नाम होता है ये होता है ट्रिटिकम स्फेरोकोकम होता है, स्फेरोकोकम होता है। क्या आपको बताना है, अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भारतीय बोना गेहूँ का बोटनिकल नेम आप बताइए, तो आपको सभी को राइट आंसर बताना है कि ट्रिटिकम स्फेरोकोकम बोला जाता है। और अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का नाम बताइए, तब आपको क्या बताना है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का क्या नाम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कपास कुल से संबंधित है, तो कपास किस कुल से संबंधित है, याद रखिएगा ये होता है मालवेसी से।
कपास है, तो ये किस कुल से बिलोंग करती है, याद रखिएगा मालवेसी वंश से बिलोंग करती है। इसके साथ साथ एक और आप नोट कर सकते हो, कपास या फिर भिंडी, तो भिंडी का भी कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है। तो इन दोनों को आप नोट कर ले कि कपास या भिंडी इन दोनों का कुल कौन सा होता है, मालवेसी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अरहर का सामान्य नाम क्या है, ब्लैक ग्राम, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम या फिर रेड ग्राम। तो याद रखिए जो अरहर है इसे रेड ग्राम के नाम से जाना सा है, अरहर, पीजन पी या फिर रेड ग्राम, ये तीनों इसी के नाम होते हैं, क्या क्या, रेड ग्राम, अरहर या फिर पीजन पी। ओके, तो यहाँ पर आज के क्वेश्चंस तो हमारे कंप्लीट हो ही चुके हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेशन में सभी को बताना है, तो आज का जो आपका क्वेश्चन है ये है 2,4-D का इस्तेमाल, 2,4-D का प्रयोग ऐसी कौन सी फसल है जिसमें नहीं किया जाता है। 2,4-D जो कि एक प्रकार का वीडिसाइड होता है, तो इसका प्रयोग किस फसल में नहीं किया जाता है, ये आप सभी को कमेंट सेशन में बताना है। तो जल्दी से सभी को टाइट कमेंट करना है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें 2,4-D का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से डायरेक्ट कमेंट करके हमें इसका जवाब बताइए, आज का ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार, वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।